अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हर बंदे की लाइफ में ना यैन मचा हुआ है, अन्ने वाह यैन मचा हुआ है और आवाम फुल टाइम फ्रस्ट्रेटेड है। मैं तो कह रहा हूँ तती हुई है और उनकी लाइफ का कोई सीन ही नहीं है यार, कोई सीन नहीं है। लेकिन इसमें बंदे का कसूर नहीं है, क्योंकि जब दुनिया बजाते खुद इतनी गोल है तो बंदा इस गोल गोल सर्कल में घूम ही जाता है और एक पॉइंट पे आके उसकी लाइफ का सर्कल डेड हो जाता है। फिर क्या होता है, बंदा गवाच जाता है। वो फिर जब गवाच जाए तो वो कायनात को गालियाँ देता है, कभी माँ पियो को कोसता है, डायरेक्ट अल्लाह मियाँ से फंडे शुरू कर देता है। और फिर कहता कि यार मैं ना, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। लेकिन ऐसे तमाम बदकिस्मत हजरात और ख़वातीन के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, एक खुशखबरी है। न्यूज़ जो है वो ये है कि अगर आप अपनी लाइफ का सीन ऑन करना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में तबस्सुम लानी पड़ेगी। तबस्सुम मैं पहले ज़रा बता दूँ, ये तबस्सुम ना किसी आंटी का नाम है, ना किसी औरत का नाम है। इसलिए जिस किसी का जहन इधर उधर जा रहा है ना, उसको वापस ले आओ, चौकस होकर मेरी बात सुनो। तो मैं कह रहा था कि तबस्सुम जो है ये चेहरे की मुस्कुराहट को कहते हैं, और मुस्कुराहट को आप जब थोड़ा स्ट्रेच करते हैं तो वो हंसी बन जाती है, और हंसी को जब आप पाड़ देते हैं तो वो कहकहा बन जाती है, ही हु हु हा 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 बन जाती है। तो लाइफ का सीन ऑन करना है तो हंसना खेलना शुरू करें। पर सियाणे कहते हैं कि कब्बा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो मैं चाल तो नहीं भूला, लेकिन मैं भी सोचने बैठा ना तो मैं बोंदल ही गया कि भाई ये जिनको हंसी नहीं आती उनको नहीं आती, दफा करो। लेकिन जिनको आती है वो ऐसी क्या कुतकुतारियाँ महसूस करते हैं कि वो हंसते खेलते रहते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा कि बंदे को हंसी आती क्यों है। तो मैं जो हूँ पैनिक नहीं हुआ, मैं अवाम की तरह पैनिक नहीं हुआ, मैं पजा गया किसके पास, अपने उस्ताद अपने मुर्शद के पास। मेरा उस्ताद मेरा मुर्शद है कौन, गूगल साईं। मैं गूगल साईं के पास गया और वहाँ जा कर मैंने सिर्फ इतना सा टाइप किया है कि वाई डू वी लाफ ?? बस। ओ भाई जी, गूगल साईं ने मेरे तोते नहीं उड़ा दिए। गूगल साईं कहता है कि हर इंसान, पावे कुड़ी हो पावे मुंडा हो, या चलो उसके बीचों बीच भी जो मर्जी हो जाए, इंसान होना चाहिए। तो हर इंसान जब पैदा होता है तो उसके बाद रोता है, रोने के बाद क्या करता है, बोलना सीखने से भी पहले भाई जी वो हंसना शुरू कर देता है, वो हंसी सीख लेता है। 3.5 से 4 माह की उम्र तक जो है ना, हर इंसान हंसी सीख लेता है। ये जो छोटे बच्चों को कुतकुतारी करते हैं तो वो ही करके हंसते हैं, ये उन हंसी की बात हो रही है, या उनके सामने वो पुटी सीधी शक्लें बना हो गई करके, तो बच्चे हंसते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है, ये उसी हंसी की बात हो रही है। लेकिन मज़े का सीन क्या है, वो ये है कि वो बच्चा, बेशक आप जितने मर्जी बूढ़े हो जाएं, मरने वाले भी हो जाएं ना, वो बच्चा आपके अंदर जिंदा रहता है। यार वो जिंदा रहता है तो लोग क्यों नहीं हंसते, मुझे बताओ क्यों नहीं हंसते। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है, इसलिए हमें हंसी नहीं आती, एंड देयर शुड बी समथिंग फनी टू लाफ एंड जोक और समथिंग। तो ऐसे सारे पाटे पेंडू जो शहरी बड़े हुए हैं ना, उनसे दरख्वास्त है कि भाई गोरों ने की एक रिसर्च होता है तहकीक, ये गोरों के करने वाले काम है, पाकिस्तानी अवाम इस तरह के काम नहीं करती। पाकिस्तानी अवाम तो तुक्के से पैदा होती है और ऐवें ही मार भी जाती है। तो गोरों ने की एक तहकीक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई जी अपने अंडरकवर एजेंट्स ना होटलों में, शादियों में, शॉपिंग मॉलों में ना फैला फलू दिए, अन्य वाह फैला दिए, और हाथ में सबके दे दिया टेप रिकॉर्डर। अब उन्होंने तकरीबन 12,000 बंदों को कवर किया। अब कवर उन्होंने ये किया कि उन बंदों की सारी जो कन्वर्सेशन थी ना, उसको कवर किया और उनके हासिल रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। अब वापस आके जब सारा डाटा जो था उसका उन्होंने एनालिसिस किया तो पता लगा जी कि 12,000 में से जो 20 से 25% लोग हैं ना, वो तब हंसे जब उनको लतीफ़ा सुनाया गया, उनको कोई फनी समथिंग जोक और जो भी है वो सुनाया गया तो वो हंसे। बाकी सारे ऐवें ही हंसी जा रहे हैं, ऐवें ही बातों पे के हो यार सुना ठीक है, अच्छा तू ठीक है, ओ यार ठीक है, ऐवें ही हंसी जा रहे हैं बातों पे। तो इससे ये साबित होता है कि भाई अगर आपको हंसना है तो ज़रूरी नहीं कि आपके सामने कोई स्पेशल कॉमेडियन आके लतीफ़ा सुनाए तो आपका पैड़ा सा मुंह जो है वो हंसना शुरू कर दे। हंसना तो ऐसे लोगों में जाए, उठे बैठे जो हंसते खेलते रहते हैं, तो लाइफ को ईजी बनाए। वो आपने सुना ना कि सिगरेट पीने से आपकी ज़िंदगी के 9 मिनट कम हो जाते हैं,
اور بھائی ہنسنے سے 7 منٹ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے ہنستے کھیلتے رہا کریں تاکہ زندگی جو ہے نا وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی رہے۔ اور ایسے تمام حضرات جو سگریٹ پیتے ہیں نا یار، ہنستے ہنستے سگریٹ پیا کریں، میں کہتا ہوں کہ ایک کش کے بعد ایک کہکہ ضرور لگایا کریں۔ جسٹ لائک دیٹ، تھینک یو۔ یہ کیمرہ تیرے پہ، انہیں بند کرنا، بیٹری مکمل والی ہوگی، بند کر، اٹھ دفعہ ہو بند، میں تیرے ناک سے سگریٹ لا دینا، کیمرہ بند کر۔